बताना चाहेंगे क्या? 29 तारीख को सोमवार को यहाँ पर एक दिन का धरना प्रदर्शन रखा गया है और शाम 4 बजे पंचायत करके यहाँ से एक मजबूत फैसला दिया जाएगा। मुद्दा ये है, बस्ताड़ा में लाठीचार्ज हुआ था पिछले साल 28 अगस्त को जी। उसके बाद आंदोलन में जीत हुई, मुख्यमंत्री से हमारे किसान नेताओं का समझौता हुआ जिसमें मुख्यमंत्री ने हरियाणा में दर्ज किसानों पर सारे मुकदमे वापस लेने की बात कही और जो बस्ताड़ा टोल में जो पुलिस अधिकारी और SDM इन्वॉल्व थे उन पे जो मुकदमे थे वो भी वापस लेने की बात किसानों की ओर से कही गई। पर उस समझौते को तोड़कर वादा खिलाफी करते हुए जो यहाँ पर पुलिस इंस्पेक्टर था हरजिंदर सिंह, जिसकी उस लाठी चार्ज में सबसे ज़्यादा भूमिका थी, उसने कोर्ट में हमारे 36 लोगों पर दोबारा से मुकदमा दर्ज कराने का काम किया है। उसने वो सरकार के साथ जो मुख्यमंत्री के साथ समझौता हुआ उसको भी तोड़ा है और वो किसानों को जानबूझ के परेशान करने के लिए उसने ये मुकदमे दर्ज कराए हैं। उसके खिलाफ ही 29 तारीख का हम धरना प्रदर्शन करके शाम 4 बजे एक मजबूत फैसला लेंगे और अपने किसानों को उनके पर्चे भी रद्द करवाएंगे और ये जो पुलिस अधिकारी है ये एक बात अपने मन में से निकाल दे, इसको सबक सिखाएंगे हम, ऐसे करनाल का हरियाणा का किसान उसको छोड़ने वाला नहीं। तो उस दिन पूरे हरियाणा से सभी किसान लीडर, सभी संगठनों के लोग, बाहर से बड़े नेता भी जोगिंदर सिंह उगराहा, डॉक्टर दर्शनपाल पहुँच रहे हैं और करनाल के सभी किसान साथी पहुँचेंगे और सभी से अपील है ये जो कुछ अहंकारे हुए जो पुलिस अधिकारी हैं, ये जो सरकार की शह पर मुख्यमंत्री की शह से इसने हमारे किसानों को परेशान करने के लिए ये मुकदमे दर्ज कराए हैं, उसके खिलाफ 29 तारीख को सोमवार सभी पूरे जिले से और आसपास के जिलों से सभी किसान साथी पहुँचे और ऐसे पुलिस अधिकारी को हम सारे मिलकर उनको ये दिखा देंगे। किसानों में अब भी वैसे का वैसे जुनून है और जैसे अब मैं एक बात और कहना चाहूँगा, मुख्यमंत्री बिल्कुल ना भूले, जो आंदोलन में हमारी ताकत थी आज भी वही ताकत है। मुख्यमंत्री को पता है यहाँ पर जिला सचिवालय घेरा था, इतनी फोर्स लगने के बाद भी हमें वो मजबूर कर रहे हैं, पर हम बिल्कुल तैयार हैं। अब आमने सामने की लड़ाई होगी और उसकी शुरुआत 29 तारीख से सोमवार को हम करने जा रहे हैं। क्या हुआ है सर, जब फैसला हो गया था सब कुछ मान भी गए थे, तो क्या हो रहा है, अब उनको क्या चाहते हैं? ऐसे है, वो उनको कुछ नहीं, उनको खुराक चाहिए जो हम पहले आंदोलन में तो देते रहे हैं। अब 6-7 महीने हो गए थे जब उन्होंने एक मुख्यमंत्री ने समझौता कर दिया। ये हरियाणा के मुख्यमंत्री को भी सोचना चाहिए भाई, आपकी एक पुलिस का इंस्पेक्टर रैंक का अधिकारी मुख्यमंत्री से जो समझौता हुआ उसको तोड़ रहा है और इसमें सरकार की भी शह है, मुख्यमंत्री की भी शह है, नहीं एक इंस्पेक्टर की क्या हिम्मत है वो केस करे। तो ये बिल्कुल सरासर गलत है और सीधी चेतावनी है हरियाणा के मुख्यमंत्री को सरकार से, 29 को हम यहाँ आएंगे और आपको सबक सिखाएंगे और 29 को 4 बजे हम जब यहाँ का धरना समाप्त करके अगला फैसला करेंगे वो पूरा मजबूत फैसला होगा, सरकार को मजबूर कर देंगे और ऐसे जो पुलिस अधिकारी हैं, जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, ये अपनी आकड़ और अहंकार छोड़ दो, यहाँ का हरियाणा का किसान बिल्कुल नहीं चलने देगा ये चीज़ें। कितने किसान हैं जिनके ऊपर? 36 किसान है जी, 36 किसानों पर ये कोर्ट में मुकदमा दर्ज कराया गया है जिसमें उनको वारंट निकलवा दिए गए और उसके बाद उनको जमानत भी लेनी पड़ी है और उसको लेकर ही ये प्रोग्राम रखा गया। हमारे साथ बहादुर मेहला जी, क्या क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? ये सारी चाल है जो मुख्यमंत्री की है और उसकी नहीं है तो राजेंद्र की नहीं है, या खुद मुख्यमंत्री ने इसने तो लठ मेरे इसने पंगा कराया वहाँ जाकर, और यू जो है नी मुख्यमंत्री का पहला आदमी है और मुख्यमंत्री ने इस पे कह कह और ये मुकदमे करवाए हैं। हम पागल फिर और इतनी उम्र होगी कितना काम करे यू इतना है, इसने भी पता लग जाएगा यू मुख्यमंत्री के कहने में मुकदमे करे और मुख्यमंत्री की सह और ये बांधने की कोशिश कर रहा है और हम यू काम नहीं होने देंगे, अपने किसानों ने भीतर नहीं जान देंगे और इस पर बहुत बड़ा फैसला लेंगे और बिठाऊंगा मैं 302 का आंदोलन इस पर उठाऊंगे। इन्हें बताइए मुख्यमंत्री कुकर बचाओगे, मुख्यमंत्री कुकर बचेगा, हम पागल को नहीं फिरते हैं, हम इनका नहीं देखा है क्या करेंगे के हम नहीं कर सकते हैं मुकदमा, हमें पंचायती आदमी है, हम किसान हैं, जो जुबान करते हैं पक्की करते हैं, इन नहीं देख रखे अकबर यहाँ राजनीति आदमी
पता लग जाएगा और ओडी आ जाएगा खट्टर भी आ गए और 29 तारीख ना फैसला बड़ा तगड़ा लिया जाएगा, इतना तगड़ा लिया जाएगा यो खट्टर देखता रही हो के होगा। सरदार जोगिंदर उग्रा दर्शन पाल जी, देखो ये एक सरकार के लिए बहुत बड़ी शर्म की बात है। मुख्यमंत्री हरियाणा का मुख्यमंत्री समझौता करता है और उनका इंस्पेक्टर किसानों पर केस करता है। मैं ज्यादा कुछ नहीं कहता, मैं दो बातें कहूंगा। ये अपने आप को सोचें कि हम इंस्पेक्टर लग गए, हम यहाँ के मुख्यमंत्री बन गए, पर जनता से बड़ा कोई नहीं होता। और किसानों को अकेला समझने की कोशिश ना करें कि अगर 36 किसानों पर केस किया और वो 36 किसान है, किसानों उन 36 के साथ 36,000 किसान है। जब किसान अपने घर से सुबह चलता है वो सिर पर खपन बांध कर चलता है, जब सरकार के साथ लड़ाई लड़ने के लिए चलता है। ओ ये मुख्यमंत्री और इंस्पेक्टर ध्यान से समझ लें, अगर ये फैसला इन्होंने तोड़ना है बेशक फैसला तोड़े, हमें अपने मुकदमों का कोई नहीं है। एक मुकदमा किया 10 मुकदमे और दर्ज कर लें। पर जिन्होंने हमारे भाई सुशील काजल को कत्ल किया, जिन्होंने कत्ल करने के एसडीएम ने ऑर्डर दिए, उनके ऊपर 302 का मुकदमा दर्ज करें, उनके ऊपर 307 का मुकदमा दर्ज करें, हमारे ऊपर 4 मुकदमे और दर्ज करने, हमें कोई दिक्कत नहीं है। ना हम पहले इनके मुकदमों से डरते थे, ना आज इनके मुकदमों से डरते हैं। 29 तारीख को यहाँ प्रदेश का किसान इकट्ठे होंगे, संयुक्त मोर्चे के किसान लीडर पहुंचेंगे और वो पंचायत रखी गई है फैसला लेने के लिए। 29 तारीख शाम को एक मजबूत फैसला पूरे हरियाणा का लिया जाएगा और इस सरकार के नाक में दम कर देंगे अगर इस फैसले का हल नहीं करते। तो देख सकते हैं आप लाइव तस्वीरों के माध्यम से यहाँ पर तमाम किसान जो है मौजूद हुए और 29 तारीख को एक बड़ा फैसला लिया जा सकता है। आपको बता दें कि यहाँ पर जो है धरना चलने वाला है 9 बजे से 4 बजे तक का, और उसका जो है बड़ा फैसला लिया जा सकता है, क्योंकि जिस तरीके से किसानों के ऊपर केसेस लगाए गए थे उनको वापस लिया गया था, और उसके बाद जो है एक इंस्पेक्टर दोबारा से इन लोगों के ऊपर मुकदमे दर्ज कर देता है, उसके बाद जो है ये सभी किसान पूरे गुस्से में है और पूरे प्रदेश भर से किसान जो है 29 तारीख को यहाँ पर मौजूद होंगे। क्या कुछ पूरा फैसला लेने वाले हैं, क्या कुछ बताना चाहते हैं, ये भी हम आपको इस वीडियो के माध्यम से जरूर बताएंगे और बताएंगे आपको पल पल की अपडेट। आप लोगों से अपील, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और तमाम लेटेस्ट अपडेट के लिए बने रहिएगा आपके अपने चैनल वॉइस ऑफ द शील्ड में। मेरे यानी सोनम के साथ कैमरामैन प्रवीण के साथ, धन्यवाद।